हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेंस लेवल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं या आ सकते हैं आरआरबी के एग्जाम में, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, उन टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। और ये वीडियो आपके सिर्फ आरआरबी के एग्जाम में हेल्पफुल नहीं होगी, आगे जो आईबीपीएस या एसबीआई के एग्जाम आने वाले हैं उसमें भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को देखते हैं जो सिर्फ मेंस लेवल की रीजनिंग में आते हैं और प्री में उनका बेसिक भी नहीं आता। वो टॉपिक है इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंसेस एंड कोर्स ऑफ एक्शन। और ये वो टॉपिक्स हैं जिनका बेसिक लेवल प्री में आता है, और लेकिन मेन्स में इनका एडवांस लेवल आएगा। कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन सेंस, रिवर्स एलोग, एडवांस रिलेशन, ये टॉपिक मेन टॉपिक्स हैं जो मोस्टली में मेंस लेवल रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। तो आपको इनको पढ़ना कैसे है? आपको 18 to 24 June तक आपको ये सारे टॉपिक करने हैं। डेली का एक टॉपिक उठाना है और पहले किसी वीडियो सोर्स से आपको देखना है अगर आपको इनका बेसिक भी नहीं पता, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। सेम चीज आपको इनमें करनी है कि आपको अगर नहीं पता कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले किसी वीडियो को देखिए और उसके बाद आप उनकी प्रैक्टिस करिए। अब बात आती है कि उन जो टॉपिक्स हैं उनको कहाँ से पढ़ा जाए। देखिए, आपको अगर पढ़ना है ना, उन टॉपिक्स को समझना है उनका बेसिक, तो आप YouTube पे या फिर कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो वहां किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। YouTube पे एक मैरिट शाइन चैनल है, आप वहां से उन सर को देख सकते हैं, या फिर आप अंकुश लांबा सर की भी जो मेन्स लेवल रीजनिंग की क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं, आप पुनीत सर को फॉलो कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको फ्री पीडीएफ मिल सकते हैं, गूगल पे टॉपिक लिख के सर्च करिए, बहुत सारी फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, या फिर टेलीग्राम पे भी बहुत सारी फ्री पीडीएफ अवेलेबल हैं, या फिर अड्डा की बुक है जो मेंस लेवल रीजनिंग के लिए, उनमें भी वो टॉपिक्स है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बैंकिंग विदर, वहां पर मैं इनकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी आपके पास। देखिए, आपको ना मेंस लेवल रीजनिंग की प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए, क्योंकि प्री के बाद तो मेंस के लिए सब प्रैक्टिस करेंगे, बट अगर आप अभी से उसको मेंस को साथ में लेके चलते हैं ना, तो आपके पास एक एज होगा, प्लस पॉइंट होगा कि आप मेंस की प्रिपरेशन बेटर कर पाएंगे दूसरे लोगों से। और सेकेंड बेनिफिट ये होगा कि आरआरबी के साथ आपके जो आगे मेंस के एग्जाम आएंगे, एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ, उनमें तो ये टॉपिक पक्का मिलते ही है हमें, वहां के लिए भी हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से मेंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बाय द एंड ऑफ जून, ये 15-20 दिनों में ही आपका जो फोबिया है मेंस लेवल रीजनिंग का वो खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए मेंस लेवल के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा इशू आता है कि प्री और मेंस की तैयारी साथ में कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए ना मैंने एक पूरा टाइम टेबल आप के साथ शेयर किया है, एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस वीडियो में ना मैंने 1.5 घंटा मेंस की रीजनिंग के लिए दिया है। तो आपको वो 1.5 घंटा कैसे यूज करना है? 30 मिनट आपको देने हैं मेंस लेवल की पजल को। एक जो हार्ड लेवल की पजल होती है वो अप्रोक्स 10 मिनट में बन जाती है, तो इस हिसाब से 30 मिनट में आपकी 3 पजल बन जानी चाहिए। जो बाकी 8 घंटा बचता है वो आपको उन टॉपिक्स को देना है जो पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको वीक में ना 3 मेंस के मॉक और 4 प्री के मॉक देने हैं। मेंस के मॉक आपको ऐसे नहीं देने कि आप पहले उनको सबमिट कर रहे हैं फिर बाद में उनको पढ़ रहे हैं, तो नहीं। उस तरीके से ना आप जो रियल एग्जाम में जो प्रेशर होता है माइंड पे, वो प्रेशर नहीं फील कर पाएंगे। तो आपको पूरा प्रॉपर टाइम के साथ मेंस के मॉक देने हैं, प्लस उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, जिनमें बहुत ज्यादा टाइम आपने लगाया या जिनको आपने स्किप किया, उन क्वेश्चन पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। इसके अलावा आप एक चीज कर सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, उनको एक पेज पे लिख दीजिए, जो भी टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं मेन्स के मॉक में, और बाद में एनालिसिस करने के बाद आप उस टाइप के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करिए जो आपने गलत किए थे, ताकि दोबारा अगर वो क्वेश्चन आपके सामने कभी आता है ना, तो आप उसमें मिस्टेक ना करें। कभी भी ना अपने मेंस के जो मॉक होते हैं ना, उसके स्कोर को देख के डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि अभी जो आप मिस्टेक कर रहे हैं वो मॉक में कर रहे हैं सिर्फ, और मॉक इम्प्रूवमेंट के लिए ही होते हैं, ताकि आप वो मिस्टेक रियल एग्जामिनेशन में ना करें। और मोस्टली स्टूडेंट का ना स्टार्टिंग में मेंस में यही स्कोर आता है, कोई बहुत ज्यादा नंबर
कई बार तो ऐसा होता है कि नेगेटिव में मार्क्स आते हैं 4, 5, 6, 7, तो इम्प्रूवमेंट करते रहिए और एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। तो आज आपको ये करना है कि जो टॉपिक मैंने मेंस लेवल के डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, उनको एक पेज पे लिखना है और कल से उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इन फ्यूचर मैं मेंस लेवल क्वांट को कैसे पढ़ें, किन क्या क्या सोर्सेज को फॉलो करें, उसकी भी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।